हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए। छोटी क्लासेस में एक सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम। उसमें नंबर्स जो होती हैं उन्हें नंबर लाइन पर डिनोट करना होता है और वहाँ पर बीच में एक जीरो होता है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइनें होती हैं, एक लाइन ये वाली और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ये। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये वाली, इस वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं और इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस वाली लाइन को वाई एक्सिस। इसमें जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एक्स की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, राइट हैंड को जाने पर एक्स की डिस्टेंस इंक्रीज होती है पॉजिटिव में, और ऊपर को जाने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ से याद करने का कंसेप्ट बन जाता है कि अगर राइट को जाएंगे तो पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, राइट मतलब पॉजिटिव, और ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर राइट पॉजिटिव होगा इधर, और इधर जो होगा लेफ्ट नेगेटिव होगा। आगे अगर ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ऊपर को जाने पर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पॉजिटिव, और नीचे को जाने पर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। आगे इसी में किसी पॉइंट की अगर सपोज करो लोकेशन बतानी है प्लेन पर, मतलब जैसे अर्थ पर किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, तो इसी तरह से अगर प्लेन पर किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट से शो करते हैं, मतलब दो सिस्टम से। जैसे एक पहले इधर को इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे एब्सिसा, और वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, वो एक्स कोमा वाई है इसके कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, ये यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे वाई बोलते हैं, ये वाई है और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अगर हम इस डिस्टेंस को देखें वाई को, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वाई जो होगा हम लिख सकते हैं वाई ऑर्डिनेट वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी इसके, यहाँ पर जब इधर से परपेंडिकुलर ही एक्स एक्सिस के, तो इधर पैरेलल पर इधर के पैरेलल हुई क्योंकि ये इसके पैरेलल दिख रही है, तो ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो हम इधर को जाएंगे जब ऐसे इसी की डायरेक्शन में ऊपर, तो इसके अगर मैं पैरेलल ऐसे लाइन खींचूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी वाई होगी। तो इस वाली को वाई ऑर्डिनेट जो है, इसे हम या तो ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या डिस्टेंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जब हम ऊपर को जाएंगे तो ये वाई इंक्रीज होगा, जब वाई इंक्रीज होगा और नीचे को आएंगे तो डिक्रीज होगा। तो हम देखें जैसे हम ऊपर को जाएंगे इतनी वैल्यू वाई की इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ऊपर को जाने पर इंक्रीज होती है। तो यहाँ से जब मैं नीचे को आऊँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा तो बहुत कम हो जाएगा, और जब ये एक्स एक्सिस पर आ जाऊँगा तो वाई कम हो जाएगा। क्यों? मतलब यहाँ पर जैसे नीचे को आ रहे हैं तो कम हो रहा है, तो जैसे ही एक्स एक्सिस पर आएंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस जो होता है एट एक्स एक्सिस, उस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ से ये हमें समझ में आ जाता है। अगला नंबर एक इसका ये पॉइंट है एक्स, इसे बोलते हैं एब्सिसा, एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। एक्स को अगर हम देखें वो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब ये वाली डिस्टेंस है एक्स, तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये वाली वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस।
अब ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्यों? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल लग रही है यहाँ पर, तो जितनी ये वाली होगी यहाँ से यहाँ तक इतनी ये होगी, तो ये भी एक्स होगी, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं और डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये एब्सिसा यहाँ पर, जैसे हम इस वाली डिस्टेंस में यहाँ से इधर को जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, इधर को जाएंगे तो इंक्रीज होगा, तो जैसे मैं इधर को जाता रहूँगा और जैसे ही मैं वाई एक्सिस पर पहुँचूँगा ये एक्स जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए एट वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ से दो पॉइंट आते हैं, क्या ये वाली चीज़ याद रखनी है कि वाई एक्सिस पर एक्स जीरो आता और एक्स एक्सिस पर वाई जीरो आता। तो यहाँ पर जैसे सपोज ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे काटते हैं इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो, और इसे ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली, तो ये ओरिजिन है। अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वाई ऊपर को जाने पर इंक्रीज होता है, जब वाई ऊपर को जाने पर इंक्रीज होता है तो नीचे को आने पर डिक्रीज होगी वाई की, और जैसे ही हम एक्स एक्सिस पाएंगे तो वाई जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वहाँ पर वाई जीरो होगा और एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर सपोज करो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस की प्लस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर को अभी हमने देखा प्लस डायरेक्शन होती है, जैसे सपोज ये 1, 2, 3 है तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3, 0 हो जाएंगे यहाँ पर, और अगर इधर होता 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सपोज ये वाला पॉइंट है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -5, 0 लिखेंगे। ये जीरो हर बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर एट एक्स एक्सिस वो वाई जो होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हमें लिखना है वो x, 0 लिखा जाएगा। इसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर सपोज वाई एक्सिस पर लिखना है तो वो 0, y लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की जैसे कोई भी पॉइंट है वहाँ पर x हम पहले लिखते हैं, x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। जब x पहले लिख रहे हैं और y बाद में लिख रहे हैं तो x एक्सिस पर था y 0, तो हमने x, 0 लिखा, और y एक्सिस पर जो y एक्सिस होगा उस पर x 0 होगा ना, तो y एक्सिस पर x 0 होगा, तो इस तरह से होगा 0, y। तो हमें ये याद होना चाहिए। अगला नंबर, जैसे सपोज अभी हमने देखा ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट था, तो हमने देखा इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर को पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर को चलेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो एक्स पॉजिटिव आएगा अगर हम इधर को चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये y की पॉजिटिव है और ये y की नेगेटिव है, तो जब इधर को चलेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, इधर को पहले x की वैल्यू लिखी जाती है क्योंकि पॉइंट x, 0 करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर को जाएंगे तो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर दोनों को नेगेटिव लिख देंगे। दूसरा y एक्सिस पर ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे को जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब ये वाला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऊपर को जाते हैं तो पॉजिटिव में लाई करते हैं, तो इसलिए ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, जब नीचे को आएंगे तो वाई नेगेटिव होगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब इसके ये प्लेन जो है फोर्थ पार्ट में डिवाइड होता है 4 में, तो इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन आ गए पॉजिटिव पॉजिटिव, इस सेकंड के नेगेटिव पॉजिटिव, इसके नेगेटिव नेगेटिव और इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर सपोज करो कोई पॉइंट दिया हुआ -3, 2, तो ये पूछ लेता है 9th क्लास में कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम इसके साइन देखें, इसका पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये यहाँ पे साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव मानेंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट के होते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज करो 0, -4 कहाँ लाई करेगा।
अब ये एक्स की वैल्यू जीरो है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये वाई एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर है और वाई पर भी कहाँ, ये नेगेटिव है, तो वाई पर हमने देखा नेगेटिव नीचे होगा, तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाती है। आगे यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर अपोजिट क्वाड्रेंट के साइन अपोजिट हैं। कैसे, जैसे सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट लें और थर्ड क्वाड्रेंट लें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट्स हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो इसके अपोजिट होंगे थर्ड के, अपोजिट क्वाड्रेंट हैज़ अपोजिट साइन, तो इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं, यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसके साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के देखेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से एक और लर्न करने का मेथड पता चल जाता है, तो यहाँ से इसके साइन आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, जस्ट सपोज ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई। अब हमें इससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ओ से इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे बोलेंगे ओ पी। यहाँ से हम देखा, अभी हमने देखा ये वाली डिस्टेंस जो होती है ये वाई होती है, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है एक्स होती है, ये वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखें, अगर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनना, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई होगी तो यहाँ पर ओ पी का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम ओ पी निकालने लगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। एग्जांपल, जस्ट सपोज करो यही वाला पॉइंट 3.4 होता, यहाँ पर जब 3.4 है तो ये वाली 3 हो जाएगी और ये वाली 4 हो जाएगी, तो ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें ओ पी निकालना, हाइपोटेनियस, तो या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ये वाला अभी हमने जो निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो होगी वो है यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, तो ये 25 और 25 का स्क्वायर रूट जो आएगा 5 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से डिस्टेंस आ जाती है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगर सपोज करो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कोई दो पॉइंट ले लेता है, ये वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे पी ले लिया एक्स वन वाई वन, ये पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एक्स टू वाई टू, तो यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये वाली हमें पता है कि ये वाई वन होगी और ये वाली एक्स वन होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वाई टू होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की अभी हमने पीछे देखा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स टू होगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2, ये x1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1, ये वाली y1 है, बहुत ही आसान है, ये यहाँ से यहाँ तक की y1, ये यहाँ से यहाँ तक की y2, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली y2 माइनस y1 और ये वाली x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर मैं इन सब को हटा दूँ, ये वाले पॉइंट्स को, ये इसे को, तो ये यहाँ पर राइट एंगल बन गया, यहाँ पर ये वाला, ये पी क्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जो यहाँ पर पी क्यू होगा, पी क्यू का स्क्वायर, वो यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर का सम प्लस यहाँ से यहाँ तक का, ये बेस का स्क्वायर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से,
तो यहाँ से ये कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डिस्टेंस कैसे आती है। अगर इस फॉर्मूले को हम सपोज करो इस तरह से लिख दें, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो हमारा आंसर जब भी सही आएगा, क्यों, बस साइन का डिफरेंस आएगा। अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था तो अब नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का जब यहाँ से स्क्वायर होगा तो वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू आ जाती है।